नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून और मैं हूं आपके साथ अंजलि राजपूत। गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस और दो हथियारों के मामले में वंचित चल रहे 50,000 के इनामी मोनू चौधरी और पुलिस के बीच गंग नहर पर दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में मोनू चौधरी मुठभेड़ में ढेर हो गया, जबकि दो पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मोनू चौधरी पिछले 2 महीने से हुई 2 हत्याओं के मामले में वंचित चल रहा था। आपको बता दें कि करीब 3:30 बजे दोपहर को पुलिस के मुठभेड़ में वह मारा गया। इसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर समेत कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसी सूचना पे पुलिस पार्टी को अलर्ट किया गया, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष मुरादनगर, उन्होंने स्वयं इसको लीड किया और उनकी टीम ने लीड किया। यहाँ पे गंग नहर के पास जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक बदमाश, जिसकी अभी तक आइडेंटिटी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो मौके से भागने में सफल रहा। घटना में 2 पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है, एक 30 mm की पिस्टल है, एक 32 mm की पिस्टल है। घटनास्थल से 30 mm की पिस्टल बरामद की गई है और 32 mm की पिस्टल जो दूसरा अभियुक्त था जो भाग गया उसके पास है, लेकिन उसके 6 खोखे भी बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल घटना जो अभियुक्त जिस मोटरसाइकिल से थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना में जो घायल हुआ है अभियुक्त, उसके कब्जे से एक रक्षक बैग बरामद हुआ है, जिसमें ढेर सारी नशीली दवाइयां हैं, महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं। इस घटनाक्रम में हमारी पुलिस पार्टी के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो घटनाक्रम में जो बदमाश घायल हुआ, जो हमारे जो पुलिसकर्मी घायल हुए, दोनों को इमिडिएटली हमारी जो PC वैन होती है उसके थ्रू जो सबसे नज़दीकी CHC है वहाँ रेफ़र किया गया। अभी तक हमारे दोनों पुलिसकर्मियों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही। एक के बाएँ हाथ में गोली लगी है, दूसरे के दाहिने हाथ में गोली लगी है। जो थाना अध्यक्ष हैं मुरादनगर, उनकी भी VP जैकेट पे, सीने पे गोली लगी है। कोशिश की जा रही है कि जो दूसरा अभियुक्त फरार हुआ है उसको भी किसी भी तरीके से पकड़ा जाए। पिछले 1-1.5 घंटे से गाजियाबाद के सभी जितने हमारे चेक पोस्ट है, चेक पॉइंट है, सभी जगह लगातार हम चेकिंग करा रहे हैं। इस बात की प्रयास है कि उसको भी शीघ्र ही हम पकड़ लें। तो ये थी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आकाश ठाकुर की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।